हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करेंसी भी ट्रेड करने के लिए जीबीपी एनआर एंड यूएसडी एनआर के होने वाले इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एंजल वन एप्लीकेशन के होम पेज में है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको इंस्टा ट्रेड एफएनओ का ऑप्शन शो होगा, उसमें आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप सेम विंडो में चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कैंडल स्टिक को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने फेवरेट इंडिकेटर को लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो में देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे, जीपीपी एनआर 28 जुलाई 2023 की एक्सपायरी का चार्ट लग चुका है। जीपीपी एनआर ने लास्ट ट्रेड किया 105.90 पे। हमने दो इंडिकेटर लगाए, जो कि पहला है हमारा बोलिंजर बैंड एंड सेकंड इंडिकेटर है हमारा एमएसडी। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू बोलिंजर बैंड, हमें जीपीपी एनआर के मार्केट में 105 के लेवल से एक अच्छा खासा अपने अपवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट बनती दिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने 105.67 के लेवल पे आके होल्ड लिया, देन अगेन से एक अपवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट लगातार हमें जीबीपी एनआर के मार्केट में बनती दिख रही है। बात करें अगर इंपॉर्टेंट लेवल की, तो 105 का एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ 105.60 का एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है, एंड 105.99 का एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है। अब बात करें अगर एमएसडी इंडिकेटर की, तो एमएसडी इंडिकेटर में हमें क्रॉस ओवर के बाद पिक्टोग्राफ में रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है, जो कि आगे चल के हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट जीबीपी एनआर के मार्केट में दिखा सकती है। ये तो बात हो गई जीबीपी एनआर की। चलिए अब हम यूएसडी एनआर को सर्च कर लेते हैं। यूएसडी एनआर के लिए यूएसडी एनआर में क्लिक करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे, यूएसडी एनआर 28 जुलाई 2023 की एक्सपायरी का चार्ट लग चुका है। यूएसडी एनआर ने लास्ट ट्रेड लिया है 82.02 पे। हमने दो इंडिकेटर लगाए, जो कि पहला बोलिंजर बैंड एंड सेकंड इंडिकेटर हमारा एमएसडी। अकॉर्डिंग टू बोलिंजर बैंड, अभी यूएसडी एनआर के मार्केट में 81.85 के लेवल से एक अच्छा खासा अपने अपर डायरेक्शन की मूवमेंट बनती दिखी है, और साथ ही साथ मार्केट ने 81.99 एंड 82.03 के लेवल के बीच में ही कंसोलिडेट किया है। अब बात करें अगर इंपॉर्टेंट लेवल की, तो 81.85 का एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ 81.99 का एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है, और 82.03 का एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है। बात करें अगर एमएसडी इंडिकेटर की, तो एमएसडी इंडिकेटर में भी हमें क्रॉस ओवर के बाद पिक्टोग्राफ में रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है, जो कि आगे चल के हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट यूएसडी एनआर के मार्केट में दिख सकती है। कंप्लीट एनालिसिस के बाद अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बुलिश जा सकता है, देन आप बाय करें। इन केस अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बेयरिश जा सकता है, देन आप सेल करें। बाय करने के लिए बाय के बटन पर क्लिक करूंगा, देन यहाँ आपको एंटर लॉट टाइप करना होगा। जितना भी लॉट आपको लेना वो आप टाइप करेंगे। मुझे दो लॉट लेना, मैं दो टाइप करूंगा। उसके नीचे आपको लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना उसमें आप टॉगल को रखे आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना, मैं लिमिट में रखे आगे प्रोसीड करूंगा। नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ कन्फर्म बाय। कन्फर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर अभी तक आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अभी जाके आप एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।